बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मक्का व्लॉग्स एंड इन्फो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, जो वबा फैली है उससे बचाए, आमीन। आज की जो सबसे पहली खबर है वो ये है कि रमज़ान जो है वो 24 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इधर सऊदी अरब में 24 अप्रैल रोज़ जुमेरात पहला रोज़ा होगा, जुम्मा या जुमेरात, और ईद जो होगी वो होगी 24 मई को। अपडेट है जो आज की 15 अप्रैल की अपडेट है वो ये है कि 493 न्यू केस हैं मक्का में, 40 केसेस हैं मदीना में, सबसे ज़्यादा 109 केसेस हैं जद्दा में, जो है वो 70 केसेस हैं, और टोटल केस हैं वो 5862 केसेस हैं। रास्ता है कि घर में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें और हुकूमत का साथ दें। मस्जिद चूँकि खुल चुकी है, मस्जिद में जाने से पहले अच्छी तरह हाथों को धोएँ, वज़ू करें, वज़ू करने के साथ हाथों को धोएँ और अपने बच्चों का ख्याल रखें। अब इधर जो बल्दिया का निज़ाम है इधर सऊदी अरब में, उसके मुताबिक जो जुबेल दुमाम और ये जो इलाके हैं इनमें अब स्कूल के अंदर रहाइशें दी जा रही हैं। बल्दिया के मुताबिक एक कमरे में 2 से ज़्यादा आदमी नहीं रह सकते, 2 से ज़्यादा आदमी नहीं रह सकते। जो 2 से ज़्यादा रहेंगे उनको 5,000 से 10,000 तक जुर्माना किया जाएगा। तो और भी बहुत सारी शरायतें हैं, जैसे ही शरायत ज़्यादा पता चलती हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करें। एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ हाजिर होते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।